हेलो एवरीवन, हम लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के टॉपिक में सेक्शन 122 कवर कर लिया था, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंदर हम लोगों ने धारा 122 कवर कर लिया था प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंदर। अब हम लोग आगे के सेक्शन को कवर करते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 123। अब ये सेक्शन 123 कहता है कि किसी को भी परमिट नहीं किया जाएगा, नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस, किसी को भी परमिट नहीं किया जाएगा कि स्टेट का कोई अनपब्लिश्ड अगर रिकॉर्ड है उसको एविडेंस एज अ एविडेंस में देने के लिए। भाई अब स्टेट के बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं, स्टेट ने पब्लिश नहीं किया है, क्योंकि अगर पब्लिश कर दिया है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अनपब्लिश है तो उसको परमिट नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी इंसान हो सकता है कि आपके पास अगर कोई स्टेट की जानकारी है जो अनपब्लिश्ड है, स्टेट ने पब्लिश नहीं किया उसको, तो उसको आपको परमिट नहीं किया जाएगा कि आप उसको एज अ गवाही के तौर पे, एज अ एविडेंस के तौर पे दें। सिर्फ तब दे सकते हैं जब जिस डिपार्टमेंट के अंदर वो रिकॉर्ड आता है, जिस डिपार्टमेंट का है वो, उसका जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो इसकी सम्मति दे दे, वो इसकी कंसेंट दे दे, उस केस में दिया जा सकता है। तो ये तो एक ऑर्डिनरी रूल हो गया है, लेकिन जो मेन रूल है, मतलब जो जनरल ट्रेंड है वो ये है, अगर हम इस सेक्शन को धारा 162 के साथ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो जनरल कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष निकलेगा वो ये है कि लास्ट जो अथॉरिटी है कि डिसाइड करने के लिए कि क्या वो रिकॉर्ड पब्लिश करना चाहिए, क्या वो रिकॉर्ड कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये पावर जो है कोर्ट के पास है, लास्ट पावर हम बता रहे हैं। ऑर्डिनरी तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिसाइड करता है, लेकिन आखिरी में अगर आपने न्यायालय के अंदर यह बात रखी कि अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने मान लीजिए मना कर दिया आपको देने के लिए रिकॉर्ड, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने आपको इजाजत नहीं दिया है कि आप उसको एविडेंस के तौर पे यूज करें, लेकिन न्यायालय को लगता है कि उसका यूज होना जरूरी है लोक हित के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसका इस्तेमाल होना जरूरी है, और उसके इस्तेमाल होने से कम नुकसान होगा बनिस्बत ना इस्तेमाल होने से ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो उस केस में न्यायालय आपको परमिट कर सकती है। अगर न्यायालय परमिट कर देगी तो एक तरीके से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ओवर रूल कर सकती है न्यायालय। तो यह है सेक्शन 123। इसका शुरुआत का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नो वन शैल बी परमिटेड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग सेक्शन 124 पढ़ेंगे तो उसके अंदर खाली कह रहा है नो पब्लिक ऑफिसर, क्योंकि वो पब्लिक, और सेक्शन 124 जो है वो पब्लिक ऑफिसर से रिलेटेड, यानी अब सरकार है, सरकार के ऑफिसेज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, अब अपने डिपार्टमेंट में अपने किसी ऑफिसर से वो क्या बात करती है, क्या बोलती है, उस चीज को, वो जो कम्युनिकेशन है वो प्रोटेक्ट है। ये कह रहा है नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन, तो उस पब्लिक ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता है कि आप उसको डिस्क्लोज करें। अगर उस पब्लिक ऑफिसर को लगता है कि उसके डिस्क्लोजर से, उसको डिस्क्लोज कर देने से किसी लोकहित को नुकसान पहुंच सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट में नुकसान आ सकता है, तो वो इस चीज के अंदर प्रोटेक्टेड है। भाई बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, जैसे आईबी डिपार्टमेंट हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, अब गवर्नमेंट ने उससे क्या बातें करी, क्या बात नहीं करी है, अगर वो हर बात को डिस्क्लोज करने लगेगा तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हों जो जरूरी नहीं है खुलने के लिए, जो थोड़ी सी खुफिया हों। तो लेकिन फिर घूम फिर के अंदर इसके अंदर ज्यूडिशियल ट्रेंड चेंज हो चुका है, बॉम्बे हाई कोर्ट का भी इसके ऊपर बहुत अच्छा डिसीजन है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि ये कोर्ट डिसाइड करेगी लास्टली कि क्या जो वो कह रहे हैं कि ये हमारी और गवर्नमेंट के बीच में जो है, मतलब ये एक खुफिया बात है जिसको प्रोटेक्ट होना चाहिए, जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, तो कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि उसका डिस्क्लोज होना जरूरी है या नहीं है। अगर लोक हित की बात आ जाएगी तो दोनों ही केस के अंदर जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो पैरामाउंट है, सबसे हाईएस्ट है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ जाएगी तो कोर्ट जो है उस चीज के लिए इजाजत दे सकती है या कोर्ट कंपेल कर सकती है उस चीज के लिए। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि केस का क्या सर्कमस्टांसेस है, जो एविडेंस लाए गए हैं क्यों जरूरी है, ये सारी चीज से कोर्ट जो है सेटिस्फाई होगा, उसी के बाद ये चीज करेगा। तो ये सेक्शन 124 है। उसके बाद सेक्शन 126 इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने जब प्रिविलेज कम्युनिकेशन शुरू किया था उसके अंदर हमने बताया था कि बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड है इसके अंदर। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप वकील के पास जाते हैं, अगर आप वकील से खुल के अपनी बात नहीं कर पाएंगे, खुल के शेयर नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप अपने मामले को कैसे डिफेंड करवाएंगे वकील से, वकील आपके मामले को किस तरीके से, किस बिना पे डिफेंड कर पाएगा। भाई उसके पास सारी, जब तक सूचना नहीं पहुंचेगी, सारी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, वो किस बिना पे आपका केस लड़ेगा। तो इसीलिए ये सेक्शन 126 जो है आपके जो कम्युनिकेशन संसूचनाएं हैं जो आपने अपने वकील के साथ, अपने अधिवक्ता के साथ किया है, वो प्रोटेक्टेड है इसके अंदर। यानी
जो वकील होगा उसको परमिट नहीं किया जाएगा कि वो आके उसको खोले, उसको बताए कि क्या उसके क्लाइंट ने उससे कहा है। तो ये सेक्शन 126 जो है थोड़ा वाइड है, और भी लोगों को इंक्लूड कर लेता है, जैसे कोई भी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी, वकील, अगर उसके एम्प्लॉयमेंट के दौरान यानी उसके प्रोफेशन के दौरान उसकी कोई सूचना उसको मिलती है अपने क्लाइंट से, या कोई डॉक्यूमेंट जो है क्लाइंट का उसके अंदर की कोई बात उस तक पहुंचती है, तो वो वकील जो होगा या अटॉर्नी प्लीडर जो होगा, बैरिस्टर जो होगा, वो परमिट नहीं किया जाएगा कि उसको आके खोल दे कि क्या क्या उसके क्लाइंट ने बताया है, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो वो उसके हाथ लगा है अपने क्लाइंट के दौरान डील करने के दौरान, या कोई एडवाइस जो उसने दिया है अपने क्लाइंट को इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस। अब कोई ऐसी सूचना वकील को दिया है जो इलीगल पर्पस के लिए दिया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति आता है वकील के पास, वो ये कहता है कि वकील साहब मैं किसी की संपत्ति हड़पना चाहता हूं, तो आप मेरी मदद करिए कि मैं किस तरीके से एक फर्जी जो है डीड तैयार करूं, एक फर्जी कागजात और दस्तावेज तैयार करूं कि जिससे मैं कोर्ट में भी ना पकड़ा जाऊं और मैं उसकी जमीन भी हड़प लूं। तो इस तरीके का कम्युनिकेशन जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, उस इस कम्युनिकेशन के लिए जो वकील होगा वो गवाही दे सकता है, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। या एनी फैक्ट ऑब्जर्व बाय एनी बैरिस्टर, प्लीडर और अटॉर्नी, अगर जो बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी है जब उसका एम्प्लॉयमेंट शुरू हुआ, यानी आप किसी वकील के पास जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति एक वकील के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरा केस लड़िए, वकील केस लड़ना शुरू कर देते हैं, अब कोई मामले को लेके वो किसी कागजात के अंदर छेड़छाड़ करता है, अब वकील ने जब उसका मामला ले लिया तो अब वो कोई कागजात के अंदर छेड़छाड़ करता है, कोई चीज की एंट्री कर देता है या कोई एंट्री को डिलीट कर देता है, मतलब किसी तरीके का हेर फेर करता है उसके वकील को करने के बाद, तो जो वकील को करने के बाद जो वो घपला कर रहा है किसी कागजात के अंदर छेड़छाड़ कर रहा है, कोई अमाउंट मेंशन कर रहा है या डिलीट कर रहा है, तो ये चीज भी प्रोटेक्टेड नहीं है इसके अंदर। अब इस जो हमने उदाहरण दिए हुए हैं ये सारी चीज इलस्ट्रेशन के अंदर दी गई है। अब ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि ऑब्लिगेशन स्टार्टेड इन दिस सेक्शन कंटिन्यूज आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड। मान लीजिए कि आप वकील के पास गए, अब वकील जो है आपका वकील जो जब तक था, अब वकील आप केस जीत गए हैं या हार गए हैं, तो उसके बाद भी वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता है, और प्लस मान लीजिए उसने आपका केस नहीं लिया, रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद भी उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा ये वाइड सेक्शन है, अब इसके अंदर ये सब भी, अब जैसे वकील की बात कही गई है तो इसके अंदर अटॉर्नी, बैरिस्टर, कई लोगों को इंक्लूड कर दिया गया, यानी जो भी लाइसेंस है, जिसके पास लाइसेंस है लॉ प्लीड करने के लिए, वो सारे लोग या जो उसको फ्रेम कर रहे हैं वो सारे लोग कोई नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं, या वकील का कोई नौकर हो गया या सर्वेंट हो गया, या वकील जिसके जरिए अपने कागजात को टाइप करवा रहा है या जो टाइपिस्ट है, ये सब लोग में से कोई भी ये सूचनाओं को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ये सारे इसके अंदर आ गए। अब इसके एक्सेप्शन के अंदर तो एक तो हमने बताया कि कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ इलीगल पर्पस, अब कोई मेरा इलीगल पर्पस करने का कोई मेरी आशय हमने किया है, उसके लिए वकील करते हैं कि आप हमें बताइए कि कैसे हम धोखाधड़ी करके कोई जमीन हड़प लें, या एम्प्लॉयमेंट शुरू होने के बाद वकील करने के बाद कोई फ्रॉड कर दें, या अपने क्लाइंट के, जो इस सेक्शन के अंदर दिया गया है, अपने क्लाइंट के कंसेंट पे उस बात को डिस्क्लोज कर दें, मेरा क्लाइंट जो है कंसेंट दे देता है, हम एज अ वकील है तो हम उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो थर्ड आदमी के हाथ में लग गई, जो सेक्शन 122 के अंदर भी सेम चीज थी कि वकील से बात कर रहे हैं किसी थर्ड आदमी ने सुन लिया, तो वो भी डिस्क्लोज कर सकता है। उस केस में लॉयर जो है वो संसूचना प्रोटेक्टेड नहीं है, अगर वकील जो है अपने क्लाइंट के अगेंस्ट खुद केस कर देता है, अगर वकील जो है अपने क्लाइंट के अगेंस्ट खुद केस कर देता है तो उस केस के अंदर मान लीजिए कि जो इश्यू चल रहा है उससे रिलेटेड अगर कोई संसूचनाएं थी, जो कोई कम्युनिकेशन था, वकील उसको डिस्क्लोज कर सकता है। फिर सेक्शन 127 है, ये कह रहा है कि इसके अंदर इंटरप्रेटर्स और क्लर्क्स या सर्वेंट जो होंगे बैरिस्टर प्लीडर के, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। फिर 128 है, प्रिविलेज नॉट वेव बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस, अब ये सेक्शन 128 कह रहा है कि मान लीजिए कि जिस पार्टी ने वकील किया है, अब वो पार्टी खुद आके जैसे अगर न्यायालय में किसी चीज को गवाह एज अ गवाही के तौर पे दे देती है, जिसको उसने अपने वकील के साथ
कम्युनिकेट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि उसने इसको वेव कर दिया, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वकील को इजाजत उसने दे दिया है कि वकील आके अब सारी बात खोल दे, या आखिर वकील भी कटघरे में आता है कोई बात को गवाही के तौर पे देने के लिए और वो वकील से कई सवालात पूछता है, तो जरूर वकील उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। वकील तब कर सकता है, तब वकील के पास लिबर्टी होगी, अगर वो व्यक्ति उसी सवाल को पूछ लेता है जो उसने वकील के साथ किया, जो बात उसने वकील के साथ कही थी, जो बताई थी, अब डायरेक्ट वो उसी बात को पूछ लेता है, तो यहां पे वकील को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा, वहां पे वकील के पास लिबर्टी है, वो बता भी सकता है नहीं भी बता सकता, वकील के ऊपर है। तो ये हम लोगों का मेन सेक्शन कवर हो गया है, सेक्शन 128 तक। अब ये सेक्शन 129 है, अब जैसे हम लोगों को वहां पे वकील को बोला जा रहा था कि वकील को जो है परमिट नहीं किया जाएगा कि जो उसके क्लाइंट ने उसको सूचना दिया है वो उसको डिस्क्लोज करे, अब सेक्शन 129 में है कि अब क्लाइंट को भी जो वकील ने सूचना दिया है वो भी जो है उसको वो डिस्क्लोज ना करे। तो ये सेक्शन 129 तक हम लोगों के मेन मेन सेक्शन जो है ये कवर हो गए हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के टॉपिक में।